हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 20 अप्रैल 2021 की क्लास केजी की वर्कशीट नंबर 14 करने जा रहे हैं। वर्कशीट आगे स्टार्ट करने से पहले यहाँ से भी अपना नाम, यहाँ सेक्शन और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है? तो आइए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य दैनिक आदतें, इन इंग्लिश हेल्दी डेली हैबिट्स। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, आइए आज हम रोज़ की कुछ स्वस्थ और अच्छी आदतों के बारे में जानते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, गेट अप अर्ली, मंजन करना, ब्रशिंग द टीथ, नहाना, बेथिंग, नाखून काटना, कटिंग नेल्स। फिर और अच्छी आदतों में आता है कंघी करना, कॉम्बिंग, हाथ धोना, वॉशिंग हैंड्स, अच्छा खाना, ईटिंग हेल्दी, समय पर सोना, स्लीपिंग ऑन टाइम। ये कुछ हमारी क्या है, हेल्दी हैबिट्स हैं। ये आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में लिखा है, आइए मिलकर यह गीत गाएं। तो गाते हैं, चलो। सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले मंजन कर, नहा धोकर फिर बालों में कंघी कर, नाखून अपने रखो साफ, समय समय पे धोना हाथ, ठीक है? थर्ड पॉइंट है हमारा। आइए अब नीचे दिए गए शरीर के अंगों को उन चीज़ों से मिलाएं जो उन्हें साफ़ रखने में इस्तेमाल होती हैं। ये हाथ है, हाथ को साफ़ करने में क्या यूज़ होता है, हैंड वॉश। और क्लोथ को, ये देखो बच्चे डर्टी है ना, इसको नहाने की ज़रूरत है, तो नहाने में क्या यूज़ होता है, नहाने में यूज़ होता है सोप एंड टॉवल। टीथ को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट। बाल देखो इसके कैसे बिखरे हुए हैं, बालों को संवारने के लिए कॉम्ब, कंघी। नेल्स के लिए होता है नेल कटर, ठीक है? फोर्थ पॉइंट, चलिए अब कोई नर्सरी राइम गाते गाते 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएं। अपने बाथरूम में जाइए और कोई भी नर्सरी जो पोएम है वो गुनगुनाइए और अपने हाथ धोइए। पहले हाथों को पानी से गीला करना है, फिर सोप लेना है, ठीक है? फिर रब करना है 20 सेकंड तक, फिर पानी से हाथ धो लें दोबारा से, ठीक है? और अभिभावक के लिए सुझाव है, बच्चे को दैनिक स्वास्थ्य आदतें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित कीजिए। ये जितनी भी हमने ऊपर हेल्दी हैबिट्स पढ़ी थी, ये बच्चे को बोलें कि वो अपनी डेली के लाइफ में इंक्लूड करें, ठीक है? हमारी वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। Thank you.